हाय, लेट्स स्टार्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। बेसिकली ये भी जेई मेन 2020 सेकेंड सितंबर शिफ्ट वन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, इन ओपन बीकर ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद वाटर वेपर इन अ सील्ड कंटेनर। ओके, हमारे पास एक ओपन बीकर ऑफ वाटर है और एक हमारे पास क्या है, एक सील्ड कंटेनर है जिसका जो दोनों कैसे है, इक्विलिब्रियम में है। व्हेन अ फ्यू ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज आर एडेड टू द बीकर ऑफ वाटर, ठीक है, बीकर ऑफ वाटर में क्या क्या कुछ ग्लूकोज ऐड किया गया है। द रेट एट विच वाटर मॉलिक्यूल्स लीव्स द वेपर डिक्रीजेस, लीव्स द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, लीव्स द वेपर डिक्रीजेस और लीव्स द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ओके, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास जो हमें फोकस करना है यहाँ पे, वो किस पे फोकस करना है अपने को, बीकर ऑफ वाटर फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उसी पूछा गया है। तो हमारे पास मान चलो कि बीकर है, ठीक है, वाटर का कुछ इस तरीके से, इसमें पानी है, ठीक है, पानी से क्या हो रहा है, वेपर्स बन रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो वेपर्स होंगे वो क्या होंगे, आपके जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, PATM, उसके साथ क्या होंगे, ये इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, मान के चलो इसे हीट कर रहे हो, ठीक है। अब मान के चलो कि यहाँ पे आपने क्या किया, इसमें ग्लूकोज ऐड कर दिया, ठीक है, तो आपने इसमें कुछ ग्लूकोज ऐड कर दिया कुछ इस तरीके से। ग्लूकोज का ऐड करने पे क्या होगा, जो इसका प्रेशर है, जो वाटर क्या है, वेपर प्रेशर, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, इसमें आपने क्या किया, एक सॉल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है। अभी क्या आपका प्योर सॉल्यूट बता रहा है, नहीं, अब क्या बन गया आपका सॉल्यूशन। और हमें क्या मालूम है, पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस, मतलब जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा। अब हमारा जो वाटर है, जो हमारा बेसिकली सॉल्यूशन है, जिसमें क्या है, वाटर के साथ साथ क्या है, अब ग्लूकोज भी है, ठीक है, उसे क्या करना है, फिर से क्या करना है, फिर से आना है उसे क्या, एटमोस्फेरिक प्रेशर के साथ क्या आना है, इक्विलिब्रियम में आना है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब जब सॉल्यूशन के वाटर, जो सॉल्यूशन के जो वेपर्स है वो उसके प्रेशर के क्या बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये बराबर तब होंगे जब आपका वेपर जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, मतलब जो आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है लीव्स द वेपर प्रेशर, वेपर इंक्रीजेस, जब वेपर इंक्रीज होंगे तब जाके जो लॉस हुआ हमारा ग्लूकोज को ऐड करने पे, वो जाके कंपनसेट होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड मींस लीव्स द वेपर इंक्रीजेस, ठीक है। नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या आता है कि क्या होना चाहिए, वेपर डिक्रीज होना चाहिए या सॉल्यूशन डिक्रीज होना चाहिए, नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा, लीव्स द वेपर इंक्रीजेस क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, सो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू।